May I come in? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक जान। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नेम आर्ट एडिटिंग वीडियो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एडिटिंग है और जो बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला नेम आर्ट वीडियो। और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है टिकटॉक पर। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देख ही लिया होगा स्टार्टिंग में कि ये वीडियो कैसा है और किस तरह का है। और दोस्तों ये वीडियो अगर आप भी बनाकर अगर टिकटॉक पर डालते हैं तो आपके वीडियो वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को बना के आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है विदाउट वाटरमार्क। ठीक है दोस्तों, विदाउट वाटरमार्क की लिंक मैंने दे दिया जो मैं यूज़ करता हूँ काइन मास्टर। ठीक है दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यहाँ से ओपन करिएगा। तो ओपन करते ही आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1:1 का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे, 1:1 का ये वाला रेशियो सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आएगा। तो हम लोग मीडिया पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम लोग वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये वाला वीडियो हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम लोग को नेम लिखना है। तो यहाँ पे ये वीडियो कुछ ऐसा, इसको चला के आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा वीडियो, इसमें साउंड वगैरह कुछ नहीं है, तो आप लोग अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं जो भी साउंड आपको लगाना हो। चलिए इसमें नेम लिखते हैं, तो लेयर पे चले जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से हम लोग अपना नेम लिख लेंगे, जो आपका नेम हो लिख सकते हैं, और हिंदी में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर अपना नेम लिख लेता हूँ, तो मेरा नाम विकास है, तो विकास लिख लेता हूँ। इसको ऐसे लिख लिए और यहाँ पर कुछ ऐसे सेट कर लेंगे, इसको बड़ा करके यहाँ से स्क्रॉल करके कुछ ऐसे यहाँ पर सेट कर, इसके कलर पे जाएंगे, कलर इसका रख लेंगे कुछ ये वाला, और आपको जो पसंद आए आप रख लीजिएगा। मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ। ये वाला रखने के बाद ये हमारा हो गया। तो अब इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए हम चले जाएंगे डबल ए वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। तो हिंदी का फॉन्ट है तो इसमें जाएंगे देवनगरी में। देवनगरी में जाने के बाद एक फॉन्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो आपके में अगर ये वाला फॉन्ट ना ही है तो इतने फॉन्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं तो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाइएगा गेट मोर में, देखिए राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर दिख रहा है झोपड़ी जैसा आइकन, इस पर जाके स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सब फॉन्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं कुछ अलग से फॉन्ट डाउनलोड किया हूँ तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा मैं, तो वो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ मुक्ता बोल्ड को। इतना करने के बाद राइट साइड पर क्लिक कर देंगे और इस पर फिर से क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा लग रहा है ये। कुछ यहाँ पर रख लेंगे बीच में एकदम सेंटर में। ठीक है दोस्तों, जितने में बिल्कुल अच्छा लगे उतने में रख लेंगे इसको। इसको रखने के बाद इसको फिर स्क्रॉल करके यहाँ लास्ट तक कर देंगे, फिर से इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे में आएंगे और इसका जो आउटलाइन है इसको ऑन कर देंगे और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, लगभग 5-6 रख देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं 5 रख दे रहा हूँ इसको, 5 रख लूँगा इसको। 5 रखने के बाद अब इसको सही के टिक मार पर क्लिक करेंगे और इसका जो शैडो है शैडो को ऑन कर देंगे, शैडो को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, लगभग इसको भी 7-8 रख लेंगे। इतना रखने के बाद अब हम लोग चले जाएंगे ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे इन एनिमेशन में, इसका एनिमेशन दे देंगे हम लोग लेटर बाय लेटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रख देंगे हम लोग लेटर बाय लेटर, तो ये इधर है, ये रहा लेटर बाय लेटर। इसको करने के बाद इसका जो स्पीड है हम कर देंगे 1.5 कर देंगे, तो ये हमारा हो गया है। तो अब इसमें हम लोग दूसरा जो नेम है उसको ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे गए लेयर में, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से हम लोग दूसरा नेम ऐड कर लेंगे। तो दूसरा हम लिख लेंगे कुछ ऐसे किंग ऑफ लायन, कुछ ऐसा लिख लेंगे किंग ऑफ हार्ट, जो आपको अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट। हार्ट इसको लिख लेंगे हम लोग कुछ ऐसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको एच को मैं बड़े में कर लूँगा कैपिटल लेटर में। इसको रखने के बाद यहाँ पे कुछ लाएंगे यहाँ पे नीचे में, इसको बड़ा करके यहाँ पे लगा देंगे कुछ ऐसे सेंटर में। ठीक है दोस्तों, इसका कलर रख लेंगे हम लोग रेड। रेड रखने के बाद यहाँ से जाएंगे डबल ए के ऑप्शन पे, यहाँ से हम लोग फॉन्ट इसका चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपको पसंद है वो आप चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं ये वाला फॉन्ट रख लेता हूँ। ये वाला रखने के बाद यहाँ सही से मैं नीचे में इसको सेंटर में सेट कर लूँगा और इसको स्क्रॉल कर इसकी लेंथ बढ़ा के मैं लास्ट तक कर दूँगा कुछ ऐसे, और इसको यहाँ पर नीचे में सही से सेट कर लूँगा कुछ ऐसे, कुछ बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा, जितने में बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको हम रख लेंगे और इसको भी इन एनिमेशन हम लोग दे देंगे लेटर बाय लेटर। इन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे लेटर बाय लेटर। ठीक है दोस्तों, लेटर बाय लेटर। इतना करने के बाद इसका भी स्पीड रख देंगे 1.5।
तो ये हमारा बन के तैयार है दोस्तों। अब इसमें आप लोगों को अगर सॉन्ग ऐड करना है साउंड, तो यहाँ पे ऑडियो पे जाना, यहाँ से कोई भी आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो ऐड कर लेना। तो मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ से कोई भी आप ऐड कर सकते हैं कोई भी साउंड, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक ऐसे ही एक सॉन्ग लेके ऐड कर दिया हूँ, देख लीजिए ये हमारा ऐड हो गया। ये जो सॉन्ग का लेंथ है काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम लोग क्रॉप कर लेंगे, यहाँ से लास्ट में ला के कैंची पर जाएंगे, इसको ट्रिम टू राइट ऑफ लेफ्ट कर देंगे। इतना करने के बाद इसको हम लोग गैलरी में सेव कर लेंगे। तो इसको मैं आपको सुनाता हूँ प्ले करके। तो इसका पहले मैं जो आवाज़ इसको ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट मिलने का चांस रहता है, ठीक है। इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कैसा बना है हमारा वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, ठीक है दोस्तों। कुछ ऐसा हमारा वीडियो बन जाएगा, इसको अब हम लोग गैलरी में सेव कर लेंगे। गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर देखिए राइट साइड में कॉर्नर में एक एरो का निशान दिखा रहा होगा तीर का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग अपनी क्वालिटी सेलेक्ट कर लेंगे, अपने अनुसार आप लोग इसको सेट कर लेंगे। तो मैं HD 720p रखूँगा, इधर 30 रखूँगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा तो हमारा वीडियो सेव हो जाएगा गैलरी में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिक किया, हमारा एक वीडियो एक्सपोर्ट होने लगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा बनाया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं डेली लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।